अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल पांच हीरोज़ में से फिफ्थ हीरो मुस्तफ़ा कमाल को स्टडी करेंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल एक जर्नल थे जिनकी इन्होंने स्टोरी बयान की है। उससे पहले चैप्टर का आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। चैप्टर में इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन का कुछ जिक्र किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट हुई थी और वर्ल्ड वार को इसलिए कहते हैं क्योंकि बेशतर मुल्क बहुत सारे थे जो आपस में कह लें जंग कर रहे थे। एक तरफ मेन पार्टी जर्मनी थी और दूसरी तरफ फ्रांस और बरतानिया थी, तो तुर्की भी उस जंग का एक हिस्सा थी और कह लें कि उस वक्त तक वो जर्मनी वाली साइड पे ही थी। कुछ मसले मसाइल इनके बने हुए थे। खैर, हुआ ये कि वर्ल्ड वार वन हुई, आप जितने भी थे ना ये बरतानिया, फ्रांस और ये ग्रीक्स वगैरह की कुछ फोर्स जो एक साइड पे थे उनको कहते हैं एलाइज। चैप्टर में उनके लिए एलाइज फोर्सेज या एलाइड फोर्सेज ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो वर्ल्ड वार वन हुई, तुर्की हार गया, बरतानिया वगैरह जीत गए, तुर्की पर वो कब्ज़ा कर चुके थे। तो उसके तुर्की का जो बादशाह था उसका नाम था महमद फोर था। वो जो है चुप करके जो अंग्रेज़ थे एलाइड फोर्सेस उनके हाथ का वो कठपुतली बन गया और जैसे वो कह रहे थे तो उसने उनके मुताबिक चलना शुरू कर दिया। क्योंकि चार साल से जंग चल रही थी तो जितने भी तुर्की के लोग थे वो खुश थे कि चलो शुक्र है जंग जान तो छूटी। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनको रेबेलियंस कह सकते हैं या बागी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हिब्बुल वतन थे, कि वो बरतानिया को अपने मुल्क पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे हुकूमत करे। हालांकि जो महमद था उसने एग्रीमेंट कर लिया था, तो इसलिए रेबेलियन फोर्सेज जो थी वो अभी भी थी और वो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह चला के रख रही थी और वो अक्सर डिफरेंट जगहों पर हमले करती थी। और उससे हुआ ये रहा था कि जो एलाइड फोर्सेज थी वो नाराज़ हो रही थी महमद से। तो महमद ने फिर अपना एक जर्नल जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल उसको भेजा कि अनातोलिया में जाओ और वहाँ पर जितनी भी ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये रेबेलियंस की उनको ख़त्म करके आओ, कि कोई बंदा जाए जो जाके उनको ख़त्म करके आए, जो उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह उनको ख़त्म करे और उनकी फौजी वगैरह ख़त्म करे। तो उसके लिए मुस्तफ़ा कमाल को सिलेक्ट किया। अब मुस्तफ़ा कमाल जब वहाँ पे गया तो बजाय के जाके उनको ख़त्म करे ये उल्टा उनके साथ ही मिल गया। ये था जी हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब कि उधर जाके उल्टा इसने जितने भी बाकी लोग थे उधर जाके एक अली फौज था उससे मिला बंदे से जो कमांडर था एक छोटे कॉप्स का एक यूनिट का, उसको साथ मिलाया और बाकी लोगों को भी इकट्ठा किया। उसने बताया कि जी महमद जो है बादशाह हम उसका साइड साथ नहीं ले सकते क्योंकि वो कह लें उनका चमचा बना हुआ है और हमें जो करना खुद करना है। वो इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल वाज एक्चुअली अ ट्रू पैट्रियट एंड ही रियली लव्ड हिज कंट्री। वो नहीं चाहता था कि हमारा मुल्क है उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा इस तरह कब्जा करके बैठा रहे, वो बरतानवी जो उनसे वो इसको इस तरह से चलाएं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो बरतानिया उसने कुछ ऑर्डर दिए कि अब क्योंकि उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था तो उन्होंने कहा कि फलां फलां जो पोर्ट है और इजमीर का जो वो सूबा है वो हम यूनान को देंगे यानी कि ग्रीक को। तो उससे वो टर्किश पीपल जो कि ऑलरेडी कह रहे थे कि ठीक है हम एलाइड फोर्सेस के साथ ही हैं वो भी उनके खिलाफ हो गए क्योंकि हमारा मुल्क है और ये हमें किसी मुल्क को दे रहे हैं कि, और वो था भी बड़ा अमीर वाला सूबा कह लें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे तो वो दे रहे थे। तो कह लें जितनी भी थी ये रेबेलियंस वगैरह ये कोई ढकी छुपी नहीं रही थी, उन्होंने फिर बाकायदा हमले वगैरह शुरू कर लिए। मुस्तफ़ा कमाल उनके साथ मिलके गुरीला बैंड्स बना के छोटे मोटे इधर उधर हमले वगैरह करवाते रहते थे। तो उनको फिर पता चला ना कि अब जो ग्रीक्स हैं वो भी आ रहे हैं इधर अपनी जगह पर कब्ज़ा करने के लिए जो कि बरतानिया उनको दे रहा है। तो इस पर मुस्तफ़ा कमाल जो ये भी अपनी फ़ौज वगैरह को लेकर डट गया तुर्कियों की और कह लें इनकी कुछ आपस में जंगें वगैरह होती रही। इन्होंने उन्हीं के जो जो बने हुए थे जगह जहाँ पे वो हथियार रखते थे डिपोट्स वगैरह उनके गोदाम वगैरह वहाँ से हथियार वगैरह लेके उन्हीं से उन्होंने इनको मार के भगा दिया। ये चीज़ लाइट फोर्सेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए। तो उन्होंने महमद के ऊपर दबाव डाला, फिर महमद जो है इसने फिर मुस्तफ़ा कमाल कहा कि वो जल्दी उसको ऑर्डर दिया कि जल्दी से वापस आओ। उसने कहा कि वापस कुछ तो दुनिया में आ जाओ, लेकिन जो महमद है उसने कहा जी मैं नहीं आ रहा। उसने दोबारा उसको कहा जी कि तुमने आना है लाजमी आना ये हुक्म है। तो उसने कहा जी जब मैं अपने मुल्क को आज़ाद करा लूँगा तो फिर मैं आ जाऊँगा। ये था जी मुस्तफ़ा कमाल का एक रिप्लाई जो कि बहुत ही हिस्ट्री में माना जाता है और इसकी एक वैल्यू है। तो उन्होंने महमद का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। महमद ने देखा कि इस तरह से तो उसका कंट्रोल जा रहा है, वो एक तरफ रेबेलियन वो भी ताकतवर होते जा रहे हैं, इसका अपना जनरल जाके उनके साथ मिल गया है और दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेज का इनके ऊपर दबाव है। तो इसने कहा कि ठीक है मैं ना आप लोगों को एक वो देता हूँ ऑफ़र, वो ये करें कि आप लोग इधर आ जाएं इस शहर में आके अपनी गवर्नमेंट बना लें, ठीक है बाकायदा असम्बली बन जाएगी, हम लोग उस हिसाब से अपने कंट्री को चलाएंगे। तो जितने भी लोग थे वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ ही वो उसकी बातों में आ गए। मुस्तफ़ा कमाल ने मना किया कि नहीं है कोई चाल वगैरह है और वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है वो ऐसे वो बना भी अगर देगा तो वो सिर्फ दिखावे वाली चीज़ ही होगी। खैर जितने भी थे मुस्तफ़ा कमाल के साथी वो उसको छोड़ के उसकी उन्होंने बात नहीं मानी, इधर आ गए कुछ दिन दुनिया में
और आके उन्होंने एक असम्बली सी बना ली, लेकिन ऊपर एक्चुअल हुकूमत तो फिर भी बरतानिया ही की थी। अब इस तरह से चल रहा था, फिर एलाइज जो है उन्होंने एक टर्म्स दी थी कि ठीक है अगर वो ग्रीक वगैरह पे हमला नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की शरायत रखी कि कैले सारों को तुर्कियों के लिए वो बड़ी बिस्ती की बात थी कि उन्होंने कहा था कि हम कंप्लीट के कंप्लीट तुर्की को डिवाइड करेंगे, ये वाला सूबा ये हिस्सा उस मुल्क को दे देंगे, ये सूबा उस मुल्क को दे देंगे, ये यूनान को दे देंगे, ये इसको दे देंगे, और जो सिर्फ मेन है तुर्की का वो कैपिटल है तो उस पर हम लोग खुद अपना रखेंगे होल्ड, और वहाँ पर गवर्नमेंट हमारी ही होगी और वो हिस्सा बस तुर्की का लगेगा। तो उस पर जो लोग थे वो उन्होंने शदीद रद्दमल का इजहार किया, उस पर और ज़्यादा मुखालिफ हो गए। पर जब ग्रीक्स ने वहाँ पर एक बार अटैक किया अपने, अच्छा जब अब यहाँ पे असम्बली बन चुकी थी तो हुआ ऐसे कि पीछे जो मेहमत था उसने इस टाइम को ज़ाया नहीं किया, उसने क्या किया जाके इतने भी पुराने फौजी थे और किसान वगैरह थे, उसने डिफरेंट जगहों के दौरे किए, उन सबको उसने खुद तकरीर वगैरह करके उनको साथ मिलाया, इसने एक नई आर्मी खड़ी की। और जब ग्रीक्स का अटैक आया तो उन्होंने मुस्तफा कमाल ने क्या किया, उन जंगों के साथ लड़ाई की और उसने उनको हराया, वहाँ से ग्रीक्स को भगा दिया, एक बाकायदा जंग हुई और मुस्तफा कमाल वो जीता था। खैर ये कि जब ये नुकसानात वगैरह हुए कुछ एलाइड फोर्सेस का, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो असम्बली बनी हुई थी जो मेहमत हैं वो अपने बंदे पकड़ के बना दी थी, उसको उन्होंने डिजॉल्व किया, उसको उन्होंने ख़त्म किया, और उन सारे लोगों को फिर भाग के दोबारा मुस्तफा कमाल के पास आना पड़ा, वो भी मुस्तफा कमाल के साथ मिल गए, मुस्तफा कमाल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ, उसने लोगों को साथ मिलाया, ग्रीक को भी इन्होंने हराया। उसके बाद हुआ ये कि जो मेहमत था अब उसको वहाँ से मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये कि इन्होंने वहाँ पर इतनी भी फोर्सेज वगैरह थी उनको इन्होंने हरा दिया था, कि मुस्तफा कमाल एक पावरफुल बन चुका था, उसने एक बाकायदा अपनी आर्मी बना ली थी, बहुत सारे उसने लोग जमा कर लिए थे, प्रॉपर रेबेलियन था, मेहमत का कोई कंट्रोल भी नहीं रह गया था, और अलाइड की जहाँ जहाँ फोर्सेज आती थी वो उसको आज़ाद करवा रहा था, तो इसलिए उसका काफ़ी होल्ड आ गया। इवेंचुअली फिर जो है ये मेहमत, इसको फिर इसने फिर बरतानिया का जो उसका था वज़ीर आज़म उसको लेटर वगैरह लिखा, उसके उसने फिर उसको यहाँ से किस तरह निकाला, कोई एम्बुलेंस आई थी जो उसको ले के इसको बिठा के तो गई थी। उसका जो था वो ये मुस्तफा कमाल वो खुद आ गया वो तुर्की के कैपिटल में सिटी में, और आके उसने सारा का सारा सेटअप संभाल लिया, और उसने बहुत सी तब्दीलियाँ की, उसने तुर्की को एक हैरानकुन सतह पे ऊपर लेकर आया, बहुत उसने बेहतरीन काम किए, एक काफ़ी सारी पटरियाँ वगैरह बनाई, रोड्स वगैरह बनाई, नई से नई फैक्ट्रियाँ शुरू की, और तालीमी निज़ाम पे इसने बहुत काम किया, ख़वातीन के हकूक पे इसने बहुत ज़्यादा काम किया, और हर इसने तालीम को भी आम कर दिया था, कर्ज़े वगैरह ख़त्म हुए, और कह लें इकॉनमी को उसने बहुत ज़्यादा ही बेहतर कर दिया। तो उसके दौर में एक बार काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई, और ये कि लेकिन इसके दौर में इसने लिबास वगैरह में भी तब्दीली की थी, इसने ख़वातीन के अबाई पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, और मर्दों के लिए ऑर्डर दे दिया गया था कि वो हैट्स को पहने। यहाँ पे तकरीबन ये तमाम पॉइंट्स हैं और चैप्टर ख़त्म होता है। अब इन कुछ पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चंस के आंसर के अंदर। अब मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। अब क्वेश्चन वन है, व्हाट वाज़ द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टुवार्ड्स द एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, कि जो टर्किश गवर्नमेंट थी उनका एलाइज के साथ क्या था रिएक्शन वगैरह एटीट्यूड वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ये कि जो टर्किश गवर्नमेंट थी उन्होंने चुप करके हार मान ली, सरेंडर कर दिया, और वो उनकी कुटपतली बन चुके थे गवर्नमेंट एलाइड फोर्सेस की, और जैसे वो कह रहे थे वैसे ही चल रहे थे, मेहमत जो है वो एग्जैक्ट उनके अंडर काम कर रहा था। क्वेश्चन टू है, व्हाई वाज मुस्तफा कमाल सेंट टू अनातोलिया, उसे अनातोलिया भेजा गया था ताकि वो जाके रेबेलियन फोर्सेस को क्रश कर सके, उनको ख़त्म कर सके, और कंप्लीट जो ये सिस्टम है उसको ख़त्म करे। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ टर्किश पैट्रियट्स टू द इंटेंशन ऑफ द एलाइज टू पैट्रियट पार्टीशन द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से मुराद है उस्मानिया सल्तनत, जो कि तुर्की को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुर्की जितने भी थे पैट्रियट्स अपने वतन से मोहब्बत करने वाले, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको चला कि जो एलाइज हैं वो ऑटोमन एम्पायर को कंप्लीट को पार्टीशन कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसमें जितने भी लोग थे जिनकी कोई नफरत थी भी तो वो भी कुछ छुपी नहीं रही थी, वो साथ सारे सामने आ गए थे, और वो लोग जो पहले इन हालात से खुश थे, जो एलाइड फोर्सेज के साथ तआवुन करने को तैयार थे, वो भी उल्टा उनके मुखालिफ हो गए। इससे उनके अंदर का जो गुस्सा था वो जाकर हो गया कि ये हमारे मुल्क को ऐसे तो नहीं डिवाइड करने दे सकते। क्वेश्चन फोर है, राइट अ नोट ऑन मुस्तफा कमाल्स एक्टिविटीज़ इन अनातोलिया। अनातोलिया में मुस्तफा कमाल की क्या एक्टिविटीज़ थी। मुस्तफा कमाल को भेजा तो वहाँ पे गया था क्रश करने के लिए उनको, लेकिन वहाँ पे गया सबसे पहले मिला अली फौज से, जो कि एक रिबेलियन का कमांडर था, इसने उनको साथ मिलाया, अपने प्लान्स वगैरह बताए, और लोगों को भी साथ मिलाया, इसने उनको और भी गाइड किया कि हम लोग जो मेहमत है उसको साथ नहीं ले सकते, ना उसे हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो उनके हाथ में ही है, जो करना हमने खुद करना है। उसने फिर गुरीला बैंड्स वगैरह बनाए और वो डिफरेंट जगहों पर गुरीला अटैक्स वगैरह होते रहे। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट वाज मुस्तफा कमाल्स रिप्लाई,
कि मुस्तफ़ा कमाल का, सॉरी पहले क्वेश्चन फाइव है, वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिपोल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो ने लिखा हुआ है इसका मतलब है कुस्तुनतुनिया, ये भी शहर है तुर्की का। तो महमद को जब पता चला कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो तो उल्टा रेबेलियन फोर्स के साथ मिलके इसी के खिलाफ चल रहा है, तो उसने उसको ऑर्डर किया था कि आप वापस आ जाओ। और मुस्तफ़ा कमाल का रिप्लाई जो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो ये था कि मैं तब आऊँगा जब मैं अपने मुल्क को आज़ाद करवा लूँगा। क्वेश्चन सेवन है, हाउ डिड महमद ट्राई टू रीगेन अनातोलिया फॉर हिमसेल्फ। उसने अनातोलिया को रीगेन करने के लिए क्या किया? उसने फिर उनको कह लें चालबाजी पे आ गया, इसने उनको ऑफर कराई कि आप लोग इधर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मुंतकिल कर लें, यहाँ पे आके असम्बली बनाएं और यहाँ से बकायदा मुल्क को चलाएं। तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल तो नहीं था लेकिन बाकी लोग इसकी बातों में आ गए और इधर आ गए थे। वाई डिड हिज़ प्लान फेल। क्वेश्चन नंबर एट है, वाई डिड हिज़ प्लान फेल, कि उसका जो प्लान था ये फेल क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि जब सारे के सारे इधर आ गए थे असम्बली में, ये महमद के पास उन्होंने अपनी असम्बली बना ली थी, तो पीछे जो मुस्तफ़ा कमाल था उसने टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि वो हर गांव-गांव में जाता रहा। उसने वहाँ पे जो पुराने फौजी थे उनको लिया, किसान वगैरह थे उनको साथ मिलाया, उसने भी अपनी एक फौज खड़ी कर ली, उस तरह के कुछ हालात बना लिए, कुछ हमले वगैरह करता रहा कि जो अलाइड फोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने क्या किया कि नेशनल असम्बली जो बनाई हुई थी इन लोगों ने, उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। फिर ये सारे सारे लोगों को भाग के वापस इधर जाना पड़ा मुस्तफ़ा कमाल की तरफ, और जो महमद था उसकी सारी चाल फिर धरी की धरी रह गई, रेबेलियन से फिर वापस उधर चले गए। इसके बाद जो थे ना ये अलाइज, इसके बाद इन्होंने उनको कुछ टर्म्स दी थी, कुछ शराइत दी थी, और वो शराइत भी क्या बेइज्जती वाली बात ही थी कि भी आप लोगों को बख्श देंगे अगर ये हम करते हैं और हमें करने दो। तो क्वेश्चन नाइन है, व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय द अलाइज। तुर्की को अलाइज ने, अलाइज से मुराद ये बरतानिया फ्रांस वगैरह की फौज जो है, उन्होंने क्या ऑफर दी? तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपके कम्प्लीट के कम्प्लीट कंट्री को आप डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ कंट्री जो है फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ कंट्री में जाएगा, फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ कंट्री में जाएगा। तो उनका टर्म ये था कि जितने भी अरब प्रोविंसेस हैं वो हम मैंडेटरी टेरिटरीज को दे देंगे, और ईस्टर्न अनातोलिया जो है वो हम स्टेट ऑफ आर्मेनिया में ऐड कर देंगे। जो इज़मीर के गिर्द का इलाका है वो हम एक बड़ी ग्रीक की डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे, और जो सिसिलिया है वो हम फ्रांस को दे देंगे। ये सारे के सारे इलाके थे जो कि तुर्की के थे, और वो कह रहे हैं कुछ फ्रांस को जाएगा, कुछ वो मैंडेटरी टेरिटरीज बन जाएगी, कुछ आर्मेनिया को दे देंगे। उनका कि जो इस्तंबुल है जो कि कैपिटल है, कह रहे हैं वो जो बरतानिया और फ्रांस और इटली हैं वो जॉइंट इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे। कंप्लीट तुर्की इधर उधर मुल्कों को दे देंगे, और जो उनका वो कैपिटल है उसके ऊपर तुर्की, उनका कैपिटल है उसके ऊपर फ्रांस, बरतानिया और इटली जो हैं अपना एक जॉइंट कंट्रोल रखेंगे। तो बेसिकली अब ये टर्म्स तो नहीं थी, बस ये एक किस्म की धमकी थी कि हमने करने वाले हैं, और अगर आप लोग बख्शना चाह रहे हो तो, अपने आप को बख्शवाना चाह रहे हो तो बस इसके ऊपर एग्री कर लेना। लेकिन ये चीज़ से और कह लें नफरत ही भड़की, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ एटलीस्ट उनको। फिर क्वेश्चन टेन है, गिवन अकाउंट ऑफ ग्रीक अटैक एंड इट्स डिफीट। जब इन्होंने ये कह दिया कि ये फलां फलां जगह उसकी है, तो फिर ग्रीक्स जो हैं वो अपनी फौज लेके अपना एरिया लेने के लिए आ गए। अब वहाँ पे जो मुस्तफ़ा कमाल है उसके पुराने साथी भी वापस आ चुके थे, उसने अपनी भी फौज खड़ी की हुई थी, वो तैयार था। अब वो सारों का लीडर बन चुका था और उसकी सारे सारे सरबराही में जंग करने को तैयार हो गए। उन्होंने ग्रीक के साथ फ़ाइट की, बाकायदा एक जंग हुई जो कि 21 अगस्त को 1921 में हुई थी, और ग्रीक्स ने जब उनको अटैक किया वो हुआ था सकरिया रिवर के ऊपर, एक पहाड़ी इलाका था जहाँ पर ये जंग हुई। सारी की सारी मैन टू मैन बैटल थी, एंड इवेंचुअली जो ग्रीक्स थे वो हार गए, और जो इतने भी थे तुर्की वो मुस्तफ़ा कमाल की इस कह लें लीडरशिप में बहुत बहादुरी से लड़े, और 14 दिन तक लगातार लड़ते रहे, और उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से। इस तरह से ये जीत गए। कहने के जो तुर्की थे उनको उन्होंने इस तरह किया कि वो उधर दरिया के किनारे आ गए, और इवन वो कश्तियों वगैरह का वेट करते कि हम यहाँ से किस तरह निकलें, उनको भगा दिया इन्होंने, इनकी फतह हुई यहाँ पे। फिर क्वेश्चन 11 है, गिवन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्रॉम इस्तंबुल। इस्तंबुल से जब महमद ने जाना था उसकी रवानगी की एक डिस्क्राइब करें। वो ऐसा था कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल, अब महमद जो है उसने देखा कि वो हार तो चुका ही है इधर, तो उसने जो बरतानिया का था कह लें वज़ीर आज़म, उसको उसने लेटर भेजा था अपने एक ख़ास बंदे के हाथ जो कि उसका बहुत ही बुढ़ा और पुराना साथी था, कि उसको भी यहाँ से निकाला जाए, इसकी जान बख्शवाई जाए। तो उसने कहीं से एक एम्बुलेंस वगैरह भेजी जो उसके महल के सामने आई, फिर ये महमद निकला है और इसका जो साथी था वो था, वो एम्बुलेंस में बैठे हैं, उसके बाद दोबारा उनको कभी नहीं देखा गया था। इस तरह से वो इस्तंबुल से चला गया और दोबारा देखा नहीं गया। क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल। उन रिफॉर्म्स, उन तब्दीलियों के बारे में बताएं जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने की विद रेफरेंस टू, आगे हम कुछ रेफरेंस दे दें कौन से,
पोजीशन ऑफ वुमेन, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, चेंज इन ड्रेसेस, एडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट एंड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चार पांच जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ये क्वेश्चन 12 करते हैं 13 इसी के अंदर हो जाएगा। अब पहला पॉइंट है द पोजीशन ऑफ वुमेन। इसके ख्याल में खवातीन को उनके राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे, तो उसने खैर खवातीन के राइट्स पे स्पेशल काम किया, फिर इसने अबाया पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसने शायद ये जहन में रखा होता कि जो अबाया है वो शायद इनके ऊपर पाबंदी है। इधर वे इस पर बाद में बहुत इख्तलाफात होते रहे, लेकिन इसने एक ये तब्दीली की, खवातीन जो से उनको भी वर्क वगैरह की परमिशन मिली कि वो भी मर्दों के शाना शाना काम करें, उनको हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया गया, इनक्रेज किया गया कि वो भी अपने बहादुर बने, स्ट्रॉन्ग बने। क्वेश्चन टू है, पार्ट टू है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। इलिटरेसी कहते हैं जाहिलियत को या अनपढ़ होने को। तो इसने इसको ऐसे ख़त्म किया कि एक तो जो लैंग्वेज थी इसने उसमें काफ़ी सारे तब्दीली की, कि उसमें अरबिक स्क्रिप्ट थी उसने उसको तब्दील करके रोमन स्क्रिप्ट कर दिया जो कि ईजी थी, ताकि लोगों की लैंग्वेज समझना आसान रहे और वो ज़्यादा आसानी से लिख पढ़ सकें। फिर इसने तालीम को आम किया ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारे इसने उस्ताद वगैरह ट्रेन किए ताकि वो दूसरे और लोगों को पढ़ाएं, और इवन ये कि ख़ुद भी चौक लेके हाथ में लेके वो पूरे अपने मुल्क का दौरा करता था, और अक्सर होता था लोगों को इकट्ठा करके ख़ुद पढ़ा रहा होता था। इस तरह से इसने तालीम का एक उसके लिए बहुत मेहनत की। चेंज इन ड्रेसेस, कपड़ों में इस तरह तब्दील आई कि इसने एक तो ख़वातीन के अबाय पे पाबंदी लगा दी, और मर्दों के लिए इसने लाजमी कर दिया कि वो हैट पहना करें। उससे पहले जो वो पहना करते थे वो होता था द फेज, तो वो एक्चुअली कह रहे थे कि ग्रीक से वो शुरू होता था और ग्रीक्स को ये पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो ख़त्म करवा के इसने कहा सारों ने हैट्स पहननी है, और हैट पहनना एक कानून बन गया था कि सारों ने हैट पहननी है, कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की पहचान है। क्वेश्चन फॉर एडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, कि रोमन स्क्रिप्ट को उन्होंने पकड़ लिया, इनकी जो अपनी लैंग्वेज थी उसके अंदर पहले अरबिक स्क्रिप्ट थी, तो अरबिक स्क्रिप्ट को लिखना पढ़ना समझना मुश्किल होता था, तो इसकी वजह से इसका मानना था कि शायद लोग जो वो ज़्यादा लिख पढ़ नहीं पा रहे, तो उसको आसान बनाने के लिए इसने अरबिक स्क्रिप्ट को निकाल के उसको चेंज करवा के रोमन स्क्रिप्ट में करवाया, ताकि इसको सीखना आसान रहे, इसको लिखना भी आसान रहे। फिर क्वेश्चन फाइव था इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उसने कितनी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी में कितनी उसने डेवलपमेंट की, कितनी तरक्कियाँ की। देखिए इकोनॉमी को उसने बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया, कि बहुत कम पहले फैक्ट्रियाँ थी, इसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनवाई। अब कहते हैं कि 1919 तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे था, एक रेलवे ट्रैक था, और उसके बाद इसने बहुत सी नई से नई रेलवेज़ वगैरह लगाई, बहुत सी नई मोटर रोड्स बनाई। इसके अलावा इंडस्ट्री को उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, पहले कुछ थोड़ी सी ही थी फैक्ट्रियाँ, कोई 150 थी 1919 तक, लेकिन बाद में 1933 तक वो फैक्ट्रियाँ 2000 पे चलेगी। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी मतलब उतनी ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट से लोग बचेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो कहले मुल्क के हालात बेहतर रहेंगे। फैक्ट्रियाँ वगैरह भी बनवाई, इकॉनमी वगैरह बेहतर हुई, इंडस्ट्रियाँ इसने नई से नई खड़ी की, रेलवेज बनवाए इसने, रोड्स बनवाई, मोटर कार्स वगैरह का सिस्टम शुरू हुआ, और इस तरह से नए कर्जे भी नहीं इसने लिए, और जो पुराना कर्जा था वो भी इसने 1/10 तक कम कर दिया, उसको 10वें हिस्से तक इसने कम कर दिया। तो कह लें इकोनॉमी और इंडस्ट्री में इसने बहुत ही एक आला काम किया, कि तुर्की को वाकई में एक अच्छा मुल्क इसने बना दिया, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया, जबकि वो कुछ टाइम पहले तक जहलियत भी थी और वो जंग के अंडर भी था, बहुत मुश्किल हालात थे। 13 है सम अप इन अ फ्यू सेंटेंसेस द वर्क ऑफ मुस्तफा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर, एक बड़े नेशन बिल्डर के तौर पर मुस्तफा कमाल का जो काम है उसके बारे में लिखे। इसमें आप कंप्लीट थोड़ा सा एक समरी सी लिखेंगे कि मुस्तफा कमाल जो है पहले वो एक जनरल था, उसने ना सिर्फ मुल्क को आज़ाद करवाया, फिर उसने ये वुमेन को उनकी पोजीशन दी, इसने इलिटरेसी को रिमूव किया, इसने ड्रेस वगैरह चेंज करवाए ताकि वो मॉडर्न लगे, सिविलाइज्ड पीपल लगे, इसने लैंग्वेजेस वगैरह में चेंज करवाई, अरबिक हटा के रोमन स्क्रिप्ट शुरू करवाई, फिर उसने अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक में ऐसी डेवलपमेंट्स की कि मुल्क एक डेवलप्ड कंट्री बन गया, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, और एक दुनिया में अच्छे ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन को एक बार रीड करना है। आपकी ट्रांसलेशन आती नहीं है, लेकिन आप जब इसको पढ़ते हैं आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और असल मकसद इसका यही है कि आप उसको रीड लाजमी करें, इसलिए कंप्लीट चैप्टर लिखा गया है। रीड करें, इसके जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं मतलब नोट्स एंड पे, उनको भी लाजमी पढ़ें। आपने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइएगा। यहाँ पे आपके 5 हीरोज़ भी कंप्लीट हो गए। जो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।